पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृंदाई तुलसीतेभ्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रददेवी सत्यपतये नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद स्तोत्र सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री योग सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद स्तोत्र सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को जथा जी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग गतकल्या श्रवण कर रहे थे। क्या श्रवण कर रहे थे? भगवान समदर्शी है। भगवान जब काली को सर पर नृत्य किया, नृत्य करने पर यद्यपि उसका जो सर कैसे था, उसका जो जीवन यदि ये बंजर है, क्या बंजर? बंजर बंजर भूमि थी, लेकिन भगवान की चरण स्पर्श होने पर क्या तो बंजर भूमि में भी उनकी हृदय में भी रस की संचार हो गया। बोले क्यों संचार हो गया? कारण उसकी जो पत्नियां थी वो सब कृष्ण भक्त थी, वो कृष्ण भजन करती थी, कृष्ण की भक्ति करती थी, इसलिए कभी कभी वो कृष्ण कथा सुनती थी। कृष्ण कथा सुनते सुनते उसका हृदय में वो कृष्ण भक्ति की थोड़ी भावना थी, लेकिन बंजार भूमि थी इसलिए काम नहीं कर रहा था, लेकिन भगवान के चरण स्पर्श होने पर झट काम कर गया है। काम कर गया तो जब देखा पत्नियों ने अभी ये कृष्ण भक्त हो गया, फिर उन्होंने बच्चों को सामने ला कर बोले प्रभु अगर पति को मार दोगे तो हमारे बच्चों का क्या है? फिर दूसरी बात है, हम इतने सुंदर देखने में अगर हमारे पति मर जाएगा तो फिर कोई बलिष्ठ कोई है कोई है काली कोई नाग आकर के जोर जबरदस्ती हमारे ऊपर अत्याचार करेगा, और अत्याचार करने पर हमारे जो सतीत्व है वो सतीत्व हमारे नष्ट हो जाए। और स्त्रियों के लिए जो मेन वस्तु अपना सतीत्व है, इसलिए पहले तो नियम था पति मर जाने पर स्त्रियाँ क्या करती थी? सती भाव, पति को साथ में अपना शरीर। महाभारत में दिखाई पड़ता है, महाभारत में तो धृतराष्ट्र ने शरीर त्याग किया और पांडु ने शरीर त्याग किया, पत्नी भी उनके साथ में भी शरीर त्याग करती है। इसलिए कहते स्त्रियों का जो मेन वस्तु उनकी सतीत्व ही ये मेन वस्तु है। हर समय चाहते हमारे सतीत्व में कोई आघात नहीं है, सतीत्व हमारे शरीर को पति के सिवाय कोई भी हमारे शरीर को जैसे स्पर्श करेगी नहीं करे, नहीं तो उनकी सतीत्व नष्ट हो जाए फिर, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है। इसलिए भगवान ने राम इसलिए तो सब शिक्षा दी, भगवान राम पहले आए उसके बाद में कृष्ण आए, क्योंकि कहते कृष्ण लीला में वही प्रवेश कर सकते हैं जो राम लीला में जो फल करेगा है। माता सीता को भगवान ने वनवास भेज दिया, कारण क्या है? धोबिनी जो एक रात कहीं रुक गई जा करके, लेकिन उसको पति ने भगवान ऊपर अंकुल उठा दिया, कहते हम राम नहीं है, पता नहीं रावण उठा कर ले गया, एक साल तक लंका में रखा और या तो बराबर आसन दे, लेकिन वो धोबी को पता ही नहीं था। बोले क्या पता नहीं था? रावण ने सीता को उठा कर लिया ही, उसने तो सीता को देखा तक भी नहीं, क्योंकि वो नकली सीता को देखा, असली सीता तो अग्नि की शरण में थी। इसलिए जो नाग पत्नियां सोच रही हैं अगर पति हमारी मर जाएगा तो हमारी सतीत्व तो नष्ट नहीं हो जाए, कोई जोर जबरदस्ती आकर के हमारे साथ में बलात्कार नहीं करे, इसलिए उन्होंने बच्चों को ला करके ठाकुर को सामने रख करके उन्होंने शरणागत हो गई, प्रभु हमारे पति को अब मारना नहीं पति को। जब उन्होंने ये किए कत्कल्य हम क्या सुन रहे थे? कहते प्रभु आप कौन हो?
समदर्शी। आपको सामने सब बराबर है। अपना बेटे अगर शत्रु भी क्यों नहीं हो, अगर अपना बेटा अगर बदमाश ही क्यों नहीं हो, अपना अपना बच्चे को नहीं छोड़े, किसको नहीं छोड़े, नरकासुर को नहीं छोड़े। लेकिन अगर कोई दुष्ट व्यक्ति का अगर बेटा अगर भजन करता है, भगवान आप उसको रक्षा करें। नरसिंह अवतार उन्होंने उनको प्रधान होने लक्षा क्या थे, जब भी उनकी शत्रु की पुत्र धातियों भगवान समदर्शी, भगवान किसको अंदर में कोई है, कोई ऊंचा नीचा भाव को ठाकुर जी दर्शन नहीं करते हैं। इसलिए नाग पत्नी आकर के ऊपर में भगवान को स्तुति करते हैं, बोले तपम सुतपम सुतप्तम किमानी न पुरकम निरस्त मानी न चमान देना धर्म अथवा सर्प जनानुकंपया जत भवस्थु सति सर्प जीव। तब नाग पत्नियां कह रही हैं हमारे पत्नी ने ऐसे कौन सा पुण्य किया, कहते तपम सुतपम किमानी न पुरकम, इसने पूर्व जन्म में केवल तप नहीं, उसने सुतप जरूर किया है, साधारण तपस्या नहीं, बहुत तपस्या किया। बोले क्यों, बोले जिस चरणों को पाने के लिए बड़े बड़े देवता कहते जब ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्मरणी वेदई क्रम सांग उपनिषदि गायन्ति जत सामगा ध्याना बस्ती जत गति न पसंति जत जोगिना। इसलिए जिस चरण को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि लोग बाय रथा भी मनसा मुनिपुंग वानाम, बड़े बड़े ऋषि लोग अपना ध्यान करते हुए अष्टांग योग करते हुए श्वास को बंद करके कोई टांग को ऊंचा करके सर नीचा करके एक अंगुल को भरे खड़े होकर के इतने कठोर तपस्या है आपको पाने के लिए, इतने कठोर तपस्या करते हैं है? इसलिए ब्रह्मा से कहते प्रभु तुम्हारे चरणों को प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन ये कालियों को नहीं चाहने पर भी आपका सर से हटाना चाह रहा था, लेकिन भगवान क्या करते तो चोर जबरदस्ती उसका सर पर चरणों पर रख रहे, मतलब ये कल तप नहीं बल सुतप, जरूर कोई बहुत बड़े कोई शायद तपस्या किया है जिस वजह से उसका सर पर आपने नृत्य किया पूर्व जन्म में। इसलिए निरस्त मारे न, इसलिए लगता है इसने जरूर दूसरों को इज्जत दिया, मान दिया है। इसलिए विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं, महाप्रभु कहते हैं ना, भक्ति करने के लिए चार गुण चाहिए, बोले चार गुण क्या चाहिए है, बोले त्रिनादपि सुनि चेना तररपि सहिष्णुना अमानी न अनुमान देना कीर्तनीय सदाया। कहते चार ही गुणे गुणी है या कर कीर्तन, कहते भक्ति करने के लिए चार गुण तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, तब भक्ति होगा, नहीं तो भक्ति नहीं कर सकते, फिर तो मन तुम्हारी चंचल रहेगा, थोड़ी थोड़ी बात में अगर मन उचाट हो जाए, मन अशांत हो जाए, भजन क्या करोगे, भक्ति भक्ति कुछ नहीं होगा, फिर तो वही चिंता करोगे जो दिमाग में थोड़ी थोड़ी बात में जो मन उचाट वही वही चिंता करोगे। इसलिए महाप्रभु कहते भैया भक्ति करना तो क्या, बोले त्रिणा दपि सुनिचे न, बोले घास से भी ज्यादा नीचु बनो, बोले उसी से भी जैसे आप चलते हुए जा रहे हैं इसी घास को ऊपर प्यार रख दिया, आप देखना घास तो नीचा हो जाता है लेकिन जो प्यार उठा ना फिर सर ऊंचा रखता है। कहते भैया उसी से भी ज्यादा नीचु बना तर रपि, बोले वृक्ष से भी ज्यादा सहने से नहीं बनना चाहिए है। आप देखना हम जा रहे हैं जेठ की महीना धूप पड़ा है, सोचा किसी पेड़ के नीचे छाया में बैठ जाए, कल बैठने के लिए कोई आसन नहीं, पेड़ का टहनियों को तोड़ देते, तोड़ कर क्या करते हैं आसन बिछा कर बैठ गए, लेकिन वो तोड़ दिया तो टहनिया, लेकिन वो वृक्ष क्या बोलता है तेरे को छाया नहीं दो, तुम्हें तो टहनिया हाथ को तोड़ दिया तुमने हाँ, इसलिए तेरे को मैं छाया नहीं देना, बोलता है नहीं बोलता है, तभी वो छाया देता है। पेड़ में कोई फल उठाया पत्थर मारे, पत्थर तो मारे उसने क्या किया फल दे दिया, और उसको क्या कहते हैं पेड़ को काट करके साल जालना दरवाजा बनाते हैं, उसका पत्ते हर चीज परोपकार है। कहते जो वैष्णव लोग हैं ना उनको परोपकार होनी चाहिए, कहते खुद मान की इच्छा मत करो और सबको यथायोग्य सम्मान दो। यहाँ पर कहते हैं कहते मान देना, विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं जरूर ये कोई वैष्णव हो है, ये वैष्णव धर्म है। महाप्रभु कहते हैं चार गुण में गुणी होकर के भजन करनी चाहिए, ये जरूर पहले ये वैष्णव धर्म भजन किया होगा, नहीं तो ठाकुर किसकी सर पर प्यार रखेंगे, सबको चरण में थोड़ी प्यार रखेंगे, वैष्णव चरण में तो सर पर प्यार रखते हैं ना, बलि महाराज का सर पर ठाकुर जी प्यार, बलि महाराज का सर पर रखे कितने भाग्य से है, कितने भाग्य से
ऐसे कोई, इसलिए कहते जरूर ये कोई वैष्णव धर्म को जरूर जाते ने किया। क्या वैष्णव धर्म में जाते ने किया है, आता है ना वो कथा आती है ना, प्रभु जी से आपको जितने पहले सुनाए होंगे, एक समय दो संत एक जगह में रहते थे। जब संत रहते थे, एक दो संत ने कहा, एक संत ने कहा भैया मैं कुछ दिन के लिए तीर्थ घूमने जा रहा हूँ और मेरे कुटिया में तुम कुछ दिन के लिए देखो, कोई बात नहीं जाओ खूब घूम घाम करके आनंद लेकर के दर्शन करते गया। जब उसने सारे तीर्थ को भ्रमण करके आए, आ करके देखा जिस संतों को उन्होंने छोड़ कर गया था ना, उसने डेरा जगा दिया उसकी कुटिया में, है उसकी कुटिया में डेरा जगा दिया। बोले भैया अभी मैं तो भ्रमण करके आ गया, अभी मेरे कुटिया को दे दो। बोले कौन सा कुटिया, बोले कौन सा कुटिया मतलब ये कुटिया मेरी थी ना, मैं तो गया था दर्शन करने के लिए, मैं आ गया मेरी कुटिया दे दो। बोले तेरी कुटिया कुटिया कुछ नहीं, ये कुटिया मेरी है बस, अभी तेरी मेरी हो गया, लड़ाई होने लग गया, लड़ाई होने लग गया। तो इतने लड़ाई बढ़ते बढ़ते इतने दूर पर लड़ाई चलेगी, जो संत घूमने के लिए गया तो था साधु, भजन करने वाले था साधु बने वाले, उसने अभिशाप दे डाला, तुम्हारी प्रीति सर्प जैसे प्रति कहना। जो सांप है ना कभी अपना घर नहीं बनाता है, घर बनाता है कौन, शिवा। और सांप क्या करता है, उसको घर में घुसेगा और एक मिनट चूहे को भी खा लेगा और उसको जो जो बिल है वो बिल को क्या उसमें ही रहना शुरू कर देगा, खा भी जाएगा उसको उसने अपना रहना शुरू कर देगा। इसलिए बोले तुम्हारे जो स्वभाव है ना सर्प जैसे स्वभाव है, हम तुम्हें अभिशाप देता हूँ, तू सर्प ज्योति में जा। उसको भी क्रोध आ गया, वो भी था भजन करने वाले साधु, बोले तुम मेरे को अभिशाप देते हो सर्प बन जाता, मैं भी तेरे को अभिशाप देता हूँ, तू कौवा जैसे जब से आई कौवा जैसे खा 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 का खा कर तू कौवा बन जा। बस दोनों तो दोनों को अभिशाप दे दिए। जब अभिशाप दे दिए संत है इनका तो काम फलेगा, क्यों संत अभिशाप दिया। अभी जो दोनों दोनों को अभिशाप दे दिया ना, बोले भैया गड़बड़ी हो गई, एक कौवा बन जाएगा और एक सांप बन जाएगा निकृष जनी, अभी क्या किया जाए। पहले काम करो कि जो अभिशाप को बदला दो। इसलिए जिसने अभिशाप दिया था तो सांप बनोगे, उसने कहा तो सांप तो बनोगे, लेकिन एक दिन ठाकुर जी तेरे सर को ऊपर नृत्य करेंगे, हैं नृत्य करेंगे। अगर ठाकुर जी कभी जल विहार करेंगे ना, तेरे सर को ऊपर बैठ करके जल विहार करेंगे, ब्रज गोपियों को साथ में राधा जी को लेकर के। अगर भगवान को कहीं जाने का हो ना, ठाकुर जी तुम्हें क्या करेंगे, तुमको अपना सर पर बैठा करके ठाकुर जी तुम्हें अपना बाहर रूप में भी स्वीकार करेंगे, उनको ये वरदान दे दिया। उसने कहा देखो तू तो कौवा तो बनोगे, लेकिन तू साधारण कौवा नहीं बनोगे, तुम कांक भूषणी बनोगे। क्या बनोगे, कांक भूषणी। जब तुम कथा सुनाओगे ना बैठ करके, कहाँ पर, कहते श्री नीलगिरि पर्वत के ऊपर बैठ करके तुम जब भगवान की कथा सुनाओगे, बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्रह्मा शंकर भी बैठ करके तुम्हारे चरण में तुम्हारी कथा सुने। इसलिए कागभूषण जब कथा सुनाते बड़े बड़े संत रूप में, पक्षी रूप में भी जो संत लोग वो भी कथा को सुनते हैं, इसलिए दोनों दोनों को उन्होंने वरदान दे दिया। कहते ये तो एक कथा है, दूसरी कथा प्रभु सुनाए होंगे, कोई राजा था, वो राजा का पेट में बहुत दर्द होता था, उसका बीमारी किसी तरह से सही नहीं हुआ, तो उन्हें एक संतों के पास में गए। संत ने कहा ये काम करो, वहाँ पर एक कबूतर आता है रोज, उसको जाल में फंसा करके उसको खा लो मांस को, पेट दर्द सही हो जाएगा। उसने बहुत कोशिश किया लेकिन वो किसी तरह से कबूतर फंसता नहीं। बोले बाबा वो तो फंस नहीं रहा है, किसी तरह से पास में आता है फंसता नहीं। बोले तो साधु का रूप बना ले फिर फंस जाएगा। इतने में उसने साधु का रूप बनाते ही वो फंस गया, किया उड़ते हुए आया और उसको जंगल के ऊपर जो साधु का जंगल के ऊपर में बैठ गया, चढ़ पकड़ लिया। उसने कहा भैया पहले अगर पता चलता साधु बेस पहनने पर पकड़ में आ जाए पहले ही बना लेता है, पहले ही बन जाता। इतने में जब वो राजा वो कबूतर को ले जा रहा था ना, इतने में थोड़ी दूर जाते उसका मन परिवर्तन हो गया। बोले क्या परिवर्तन हो गया, बोले मैं जो काम कर रहा हूँ सही नहीं काम कर रहा हूँ। बोले किस लिए, बोले ये कबूतर अभी तक क्यों नहीं फंस रहा, कारण क्या। बोले कारण यही था, जो मैंने राजा रूप में फंसाने के लिए कोशिश करता था लेकिन अभी फंसा क्यों, चूंकि मैंने साधु का मैंने रूप धारण किया है तब भी इसने फंसा, मतलब इसने मेरे गोद में क्यों बैठा, साधु समझ करके बैठा है ना। अगर मैं साधु होकर के मेरे को विश्वास करके आया, मैं तो विश्वासघाती कर रहा हूँ,
उसमें में विश्वासघाती कर रहा हूँ, भैया मेरे को विश्वासघाती नहीं करनी चाहिए, संत होकर के विश्वासघाती। इसलिए भैया भले ही दुख का चक्र नहीं मिल भैया तू जा, तू जा। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं ना, इसलिए साधुओं के पास में जो साधु मान करके आते हैं ना, उनको कभी विश्वासघाती नहीं करनी चाहिए। विश्वासघाती करने से फिर उसको दंड भोगना पड़ेगा। क्योंकि जैसे एक साधारण व्यक्ति अगर कोई गलत काम करे ना, जितने दंड मिलता है, अगर कोई पुलिस अगर गलत काम करे ना, उसको डबल दंड। बोले क्यों? बोले रक्षा करने वाले तुम जगत का, रक्षा करने वाले तुम भक्त के, तुम स्वयं बन गए रक्षा की जगह पे, तुमने भक्त के तुम बन गए। इसलिए कभी भी साधु के पास में जो भजन का उद्देश्य में आती, उनको कभी भी उनको साथ में बेईमानी हमें नहीं करनी चाहिए। उनको साथ में साधु चित्त व्यवहार करनी चाहिए, नहीं तो उसको दंड भी मिलता है, उसको दंड भी भोगना पड़ता है। इसलिए हमको पता है हमारे भारत में बड़े बड़े संत भी जेल में बैठे, जेल में बैठे हुए। क्यों? जो संत मान करके उनके पास में आए, संत का व्यवहार लेकर उन्होंने असंत का व्यवहार किया, इसलिए सबके सब जेल में बैठ गए। हमारे उड़ीसा में भी एक भगवान भी बन गया, साधारण नहीं, लोग उसको लकेट में पहना करते थे, लकेट पहनते थे उसकी। ऐसे इतने जगन्नाथ जी रथ यात्रा पे भी इतना भीड़ होता था उसको, लेकिन कभी जेल में बैठा। कारण क्या है? असत व्यवहार उसने किया। इसलिए हम लोग को जो साधु के पास जो साधु मान करके आते हैं, अगर हम बेईमानी करेंगे ना, एक दिन ठाकुर जेल में खोल पाएंगे। बोले जेल में बैठे रहो वहीं पर, जेल का रोटी खा और वहीं पर दाल खाते रहो वहीं पर। इसलिए किसने देखा हमें, मेरे पास में सिर्फ संत मान करके तो आया, लेकिन मैंने क्या कर रहा उसका, मैंने क्या कर रहा उसको खाने के लिए ले जा रहा नहीं, भैया तू जा, तो चले जा। इतने में जब उसको छोड़ दिया ना, इतने में कबूतर बोलने लग गया। बोले महाराज आपको मैं परीक्षा कर रहा था, आपका व्यवहार से मैं संतुष्ट हूँ, हैं संतुष्ट हूँ। इसलिए एक काम करो, देखो वहाँ पर एक पीपल का पेड़ है, और पीपल का पेड़ पर संत रहते हैं, उनका चरणामृत पी लोगे, बस तुम्हारी बीमारी सही हो जाएगा। वो जब गया, बोले बाबा कृपा करके थोड़ा चरणामृत दो, प्यार बढ़ाओ। वो संत भी साधारण को परीक्षा कर रहे, संत की चरणामृत लेने के लिए आए, ऐसे मिल जाएगा थोड़ी। जब एक प्यार बढ़ाया ना, देखा उसमें ऐसे पी पड़ा हुआ, उसमें ऐसे दुर्गंध आ रहा था, कीड़े पड़ा हुआ था, खड़ा नहीं हो जाएगा, ऐसे प्यार सड़ा हुआ, बदबू मार रहा था। अरे भगवान चरणामृत कैसे, उसको प्यार तो सड़ा हुआ है। इतने में उन्होंने कहा शायद दूसरा प्यार अच्छा होगा। बोले बाबा आप कृपा करके दूसरे प्यार बढ़ाओगे? जब दूसरे प्यार बढ़ाया ना, वो ये जितने गंदी था उससे ज्यादा गंदा था दूसरा प्यार, और भी ज्यादा उसमें कीड़े पड़े हुए थे। अभी उसको बोले क्या करें, पेट में दर्द 24 घंटा रहता है, करे क्या? बोले इनकी चरणामृत से सही होगा। बोले भैया किसी तरह से चरणामृत कर ले। इसलिए उन्होंने प्यार का हाथ नीचे रखा, सोचा ऊपर में थोड़ा पानी डालते ही एक बूंद पानी आ जाएगा, चरणामृत ले लेना। वो पानी क्या आएगा, प्यार उनका हाथों में सड़ा गला हुआ जो मांस और जो पी और कीड़े, इतने बदबू मार रहा था हाथ में, कीड़े और आ गया, सड़ा गला पी के आ गया। इतने में उसने उसको ऐसे उन्होंने फेंका, फेंक करके उन्होंने अपना क्या किया, सर पर लगाया। जब उसने इसे फेंक दिया ना, वो फेंकते ही उससे दुर्गंध नहीं, एकदम कर्पूर आकुर चंदन की खुशबू आने लग गया, हैं खुशबू आने लग गया। और उसने सर पर ऐसे लगा दिया, जब लगा दिया साफ बिगड़े बलत तो चरणामृत लेने के लिए आए संत की, मैं परीक्षा कर रहा था मेरी चरणामृत में तुम्हारी कितने निष्ठा है, तुम्हें परीक्षा कर रहा था। इसलिए देख मैं अभिशाप देता हूँ, तुम जाकर के सर्प ज्योति में खाल सर्प जात में जन्म ग्रहण करोगे। इतने में चरण पकड़ के रोने लगे। बोले बाबा अपराध हो गया, माफ कर दो, माफ कर दो, संत दयालु होते हैं। बोले देखो सर्प तो बनोगे, लेकिन चूंकि तुमने इसे हाथ को तो फेंका, लेकिन अपने सर पर लगाया, सर पर लगाया संत। एक दिन ठाकुर जी तेरे सर के ऊपर में जरूर ठाकुर जी नृत्य करेंगे। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कहते निरस्त माने न समान देना, लगता है जरूर ये पूर्व जन्म में कोई वैष्णव चित्त कर्म किया है। इसलिए देखना हम लोग चरणामृत लेकर सर पर लगा, है ना, चरणामृत लेकर सर पर लगाते, क्योंकि कालियों का सर पर ठाकुर जी नृत्य किया था। अर्घ्य अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम,
विष्णु पाद तक उपित्वा शिरस धारण, यदि अकाल मृत्यु धारण करने वाले, सारे रोग को दूर करने वाले, यदि विष्णु पाद तक को पान करके अपना सर पर उसको धारण करनी चाहिए। इसलिए कहते धर्म अथवा सर्व जनान कंपैया, लगता है तो बहुत बड़ा कोई धर्म किया और सब जीव को पर जरूर तुम कहते जब तो भया सुसती सर्व जीव, लगता है सब जीवों को पर करुणा किया, दया किया, कृपा किया सब जीवों पर जरूर आज। इसलिए ठाकुर जी तेरे सर को पर में ठाकुर जी आज नृत्य किए हैं, हाँ तेरे सर पर ठाकुर जी नृत्य किए उनके सर पर है। इसलिए लेकिन इधर कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, बोले ना अहम दाने न तपस्या। गीता में कहते भगवान दान तपस्या से भगवान नहीं मिलते हैं। जब तक तो कोई संतों की कृपा नहीं हो जाए, बिना महत पद रज भी से कम, महत साधुओं का कृपा से भगवान तभी मिलते हैं, हैं? तभी मिलते हैं। जरूर इसको पर कोई साधु का कृपा हुआ, दो दो साधु का कृपा हो गया, साधु दोनों को वरदान दिया और सर पर चरणामृत लगाया, चरणामृत लगाया है। इसलिए यहाँ कहते बोले कस्या न भावस्य न देव विद्महे तवाग्रेणु स्पर्शाधिकार जत बांछया श्री ललनाचरित तप विहाय कामान सुचिर धृत व्रता। इसलिए कहते जिस चरण को पाने के लिए माँ लक्ष्मी सुचिर धृत व्रता, अपना पति व्रता, लक्ष्मी बड़ी पति व्रता नारी है, लेकिन भगवान की कृष्ण कथा सुनकर के उसने क्या क्या ब्रजेंद्रनंदन श्याम सुंदर कथा सुनकर के वैकुंठ को उन्होंने परित्याग दिया और अभी तक भी विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर के अभी तक भी लक्ष्मी वैकुंठ तपस्या। क्यों? ये कृष्ण के ब्रजेंद्र नंदन जो नंदन नंदन जो कृष्ण के चरण को प्राप्त करने के लिए अभी भी बैठे हुए, बोले श्री जिस चरण को लक्ष्मी तक भी प्राप्त नहीं कर पा है, लक्ष्मी कहते ललना कहते जो जिनकी शरीर से कमल पुष्प खुशब निकलती है, जो स्वर्ग की जो देवियां हैं, यदि इस चरण को उन लोगों भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए तबाग्र रेणु स्पर्शाधिकार तुम्हारी चरण धूल की स्पर्श तक भी नहीं कर पाए। कहती है काली ने ऐसे कौन सा तपस्या किया है आज जिनकी सर के ऊपर में आपने स्वयं नृत्य किया, तो प्रभु जरूर ये बड़ी कृपा किया। जो उन्हें तरह तरह का इन लोगों ने स्तुति की है, स्तुति को सुनकर के भगवान प्रसन्न हो गए, बोले तुम्हारी पति को नहीं मारूंगा क्योंकि तुम लोग उनकी मेरी भक्त हो, तुम मेरी भक्ति करते हो। लेकिन इसके अंदर में जो अभिमान अहंकार आ गया था ना, ये अहंकार अभिमान को मैं दूर करने के लिए सब कर रहा था, इसलिए मैं तुम्हारी पत्नियों पति को मैं नहीं मारूंगा। इसलिए भगवान ने क्या किया, इनको छोड़ दिए ठाकुर जी। और उसको बाद में क्या कहते हैं फिर हम इसको कल सुनेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण।